वेलकम टू माया पुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बॉलीवुड के बेस्ट कपल में से एक हैं और इसी बीच सिद्धार्थ और कियारा एक साथ स्पॉट हुए हैं। कियारा और सिद्धार्थ इन तस्वीरों में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन तस्वीरों पर फैंस काफी ज्यादा प्यार लुटा रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर अमिताभ बच्चन अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचे थे। एक्टर की मंदिर के अंदर से कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खुद बिग बी ने भी मंदिर के अंदर की कई फोटोज अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर काफी सिंपल लुक में स्पॉट की गई। अदिति इस दौरान ग्रीन कलर के फुल स्लीव टॉप के साथ बैगी डेनिम जीन्स पहने हुए नजर आईं। एक्ट्रेस ने एक ब्लैक जैकेट भी ली थी जिसे उन्होंने अपनी कमर पर बांधा हुआ था। क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने हाल ही में अपने पहले के उस बयान के लिए माफी मांगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोहली अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और परिवार के साथ अपना समय बिता रहे हैं। डिविलियर्स ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और क्लियर किया कि उनके द्वारा शेयर की गई जानकारी गलत थी। हाल ही में किंग खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किंग खान बड़े बेटे आर्यन खान और छोटे बेटे अब्राम के साथ फुटबॉल के मजे ले रहे हैं। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के स्टाफ के खिलाफ कोर्ट ने कुकरी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अभिनेत्री के मैनेजर सहित तीन आरोपियों के कोर्ट में हाजिर न होने पर कार्रवाई की है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 फरवरी की तारीख दी है। फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर की हिंदी OTT रिलीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस फिल्म का मजा फैंस OTT पर 16 फरवरी 2024 को हिंदी भाषा में उठा सकते हैं। विद्युत जामवाल की अगली फिल्म क्रैक का कमाल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 23 फरवरी 2024 को रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो देवरा के अलावा जानवी कपूर को साउथ स्टार जूनियर NTR के अलावा RRR स्टार रामचरण और सूर्या के साथ भी बिग स्क्रीन पर फिल्म्स मिल गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जानवी ने रामचरण के ऑपोजिट फिल्म RC16 साइन की है। हाल ही में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। इस दौरान पूजा हेगड़े ब्लैक डेनिम जीन्स और प्रिंटेड जैकेट के साथ खुले बालों में अपने सिंपल लुक को कम्प्लीट करती नजर आई थी। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।